Hello everyone, today we will solve question number 12 of exercise 3.3. So let's start. देखो A matrix given है, ठीक है, और A plus A dash is equal to I भी given है. अपने को alpha की value निकालनी है, alpha की value इन चारों में से कौन सी है, ठीक है. चलो तो A given है, तो पहले मैं A का transpose निकाल लेता हूँ, ठीक है. A का transpose क्या होगा, देखो row को column बना दो, cos alpha minus sin alpha, ठीक है, साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है. अच्छा अब लेके चलते हैं ए प्लस ए ए डैस इज इक्वल टू क्या है आई. चलो तो ए की वैल्यू रखो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, सेकेंड रो है साइन अल्फा कोस अल्फा, प्लस ए के ट्रांसपोज की वैल्यू रखो कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा. और आई का तो अपने को पता ही है क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. और टू बाई टू का रखेंगे, दोनों मैट्रिक्स टू बाई टू के हैं, तो टू बाई टू का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ये, ठीक है. चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, फिर कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा क्या होगा, टू कोस अल्फा. और माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा क्या बनेगा, ज़ीरो. साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा क्या बनेगा, ज़ीरो. और कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा टू कोस अल्फा विच इज इक्वल टू 1001. देखो दोनों साइड दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या करेंगे, इक्वल. तो यहाँ से टू कोस अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, वन. फिर कोस अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, वन बाई टू. और कोस में वन बाई टू वैल्यू कहाँ पे होती है, पाई बाई थ्री पे, 60 डिग्री पे, ठीक है. तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई थ्री, जो कि अपना ऑप्शन है बी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.